सबके पास वो पावर है, क्या हम थॉट क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? यस। तो क्यों नहीं हम वो थॉट्स क्रिएट करें अपने माइंड में जो कल को इस पूरी दुनिया को बदल देंगे? क्योंकि देखो थॉट्स से क्या होता है ना, आप जानते हैं फिलोसफी भी ये कहती है कि थॉट्स बिकम्स थिंग्स। जो भी थॉट्स आपके माइंड के अंदर है वही बाहर जाके ऑब्जेक्ट का फॉर्म ले लेते हैं या सिचुएशंस का फॉर्म ले लेते हैं। तो व्हाई डोंट वी आई एंड यू, हम सब मिलके क्यों नहीं ऐसे थॉट्स अपने माइंड में रख सकते हैं जिसमें हम दुनिया को बहुत ज्यादा बेटर और बहुत ज्यादा बड़ा और एक्सपैंड कर लें। क्योंकि वो थॉट, और मैं आपको एक चीज बताता हूं बाय एक्सपीरियंस बताता हूं, आप कोई एक डिसीजन ले लो, मैं आपके सामने जो बातें कर रहा हूं मैं सच बताऊं तो आई डोंट हैव द पोटेंशियल टू टॉक टू यू पीपल। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि वंस यू डिसाइड, आपके पास एक पर्पस हो, आप डिसाइड कर लो एंड स्टैंड टू हैव टू फेस दैट, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिवर्स आपको सारी पावर, सारी नॉलेज, सारी स्किल्स प्रोवाइड करना शुरू कर। तो ये आपको जब हम अपने ही थॉट पे डाउट करते रहते हैं ना, ये होगा नहीं होगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ना, जब हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते रहते हैं कि इट इज पॉसिबल और नॉट, तो क्या होगा? कभी भी वो चीज होने वाली नहीं है क्योंकि हम डाउट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड में कोई थॉट क्रिएट करते हो विच इज वर्थ अचीविंग, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो। मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी, कैसे करते हैं वो, तो यू कैन ट्रांसफॉर्म एनीथिंग, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी हमने ये बिलीव भी समझा है, तो वो पावर आपके पास है थॉट क्रिएट करने की, आप सिर्फ खड़े हो जाओ एंड से कि ओके ये है और इसके ऊपर मैं अपनी लाइफ लगा देने वाला हूं। आपको मालूम है हिटलर का स्टेटमेंट था बर्न योर ब्रिजेस, जब वो कहीं पे भी जाके किसी जगह अटैक करता था हिटलर, तो वो क्या करता था, अपने पीछे भागने के जो ब्रिज होते थे, रास्ते होते थे, उनको डिस्ट्रॉय कर देता था कि या तो हमें लड़ना है और जीतना है और या तो मरना है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पॉजिटिव चीजों की बात कर रहा हूँ, जो चीजें हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। देखो एक ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ जनरली हमारे लाइफ में होता है। देखो मैं यहाँ पे आया हूँ तो बहुत सारी चीजें शेयर करना चाहता हूँ। देखो किसी भी लेवल की आप लाइफ चूज कर लो, फ्रॉम हियर टू हियर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। आपको मालूम है ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी हो जाती है, पता है क्या? उनके पास एक घर हो जाता है, उनके बच्चे पढ़ लेते हैं और बच्चों की शादी हो जाती है, और उनके पास एक या दो गाड़ी हो जाती है, हो जाता है या नहीं? और सबके साथ हो जाता है, लगभग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यही सिर्फ उनके थॉट्स के अंदर होता है, यही वो थॉट्स है जिसको वो सारा पावर देते हैं, जिसके ऊपर वो सारी जिंदगी काम करते रहते हैं। सेम टाइम लगने वाला है, अगर उसकी जगह आपने ये बोला होता कि मुझे 1000 ऐसे लोगों की फैमिली बनानी है जो अनाथ हैं और मुझे उनको सर्व करना है, सेम टाइम में आप वो भी कर लोगे, इसी लाइफ स्टाइल में कर लोगे, और आपके पास कुछ भी कम होने वाला नहीं। समझ में आ रही है चीजें? क्योंकि यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट पावर, सिर्फ हम उस पावर को क्या कर रहे हैं ना, इन्वोक नहीं कर रहे, उसको बुला नहीं रहे। आप खड़े तो हो जाओ, देखो कितने लोग आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये है जो फोर्स आपको अपने अंदर से यूज करनी है, यूटिलाइज करनी है, और देखो कितने सारे चेंजेस आपकी जिंदगी में होते हैं। तो दिस इज समथिंग टू बी वर्क अपॉन, इस पे आपको काम करना है, इस पे आपको चीजें बदलनी है। देखो वही मैं कह रहा था, एक ऑप्शन है कि लाइफ को हमें इस लेवल पे जीना है कि मेरे पास मेरा घर हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ ले, उनकी शादी हो जाए, लाइफ सेटल हो जाए, हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करूं, मैं अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जीऊं, मैं बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करूं, मैं कुछ ऐसे लोगों को शेयर करूं अपने रिसोर्सेज जो शायद अगर मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पाया ड्यू टू अदर एंगेजमेंट्स, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये भी उसी लाइफ स्पैन में हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसाइड कितना बड़ा टारगेट करें। क्लियर है? मैं आपको और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मजेदार। यहाँ पे पावर है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मैं यहाँ पे कुछ बल्ब्स लगाता हूँ, सेम पावर फ्लो कर रही है, राइट? सेम इलेक्ट्रिसिटी है, 0 वाट का, 50 वाट का, 1000 वाट का, किसमें सबसे ज्यादा रोशनी आएगी? 1000 वाट। तो जो पावर है क्या वो डिफरेंट थी? सेम वे में इस यूनिवर्स में जो पूरी एनर्जी है दैट इज सेम, इट इज यू कि आप कितने वाट का बल्ब हो। समझ में आ रही चीजें?
कि आप जितना अपने आप को अंदर से डेवलप करोगे, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, यूनिवर्स उतना पावर आपको दे देगा, डिलीवर कर देगा। लेकिन आप लो तो वो तो आपको अनलिमिटेड देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन कब, जब यू विल डिमांड, यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।